आपकी आज तबीयत ठीक नहीं तो सोचा अपने हाथ से बनी कॉफी पिलाऊं आपको। इतना ख्याल रखने का शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप ये तो नहीं सोच रही मैंने इसमें कुछ मिलाया है? अब तो पीकर ही पता चलेगा इसे। घबराइए नहीं, कुछ नहीं है इसमें। आप अब तक मुझे समझ ही नहीं पाई। हाँ दारिया, शायद तुम ठीक कहती हो। क्या बातें हो रही हैं आप दोनों में मेरे खिलाफ? अच्छा छोड़ो, कॉफी बनाई थी तो मुझे भी बुला लेती। तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, खुद बना लो अपने लिए। लेकिन मुझे तो तुम्हारे ही हाथ की पीनी थी। क्यों, कॉफी के लिए टिप देनी पड़ेगी क्या? औकात में रहो। मैं तो अपनी औकात में हूँ, लेकिन तुम अपने घर से तमीज सीख कर नहीं आई। लैला, फिर से तुमने फजूल बातें शुरू कर दी। हाँ, ताकि सबको पता चले कि ये आई कहाँ से है। दारिया, इसकी बातों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मुझे पता तो हो मैं कहाँ से आई हूँ। सुन तो लो इसमें कितना जहर है। सुनने का इतना ही शौक है तो सुनो। तुम्हारी तरबियत जिस माहौल में और जिस माँ ने की है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत थी। इतनी हिम्मत तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुझे नहीं पता कि तू किस पर हाथ उठा रही है? मेरे उठाने का बहुत शौक है ना तुझे? कभी देखा है? देखा है अपना किरदार? मेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया सिखाया। तेरे माँ बाप के लिए छोड़ो, बड़ों पर हाथ उठाना वो इस घर की बुजुर्ग। मैं दिखाती हूँ तुझे तेरी औकात। हाथ उठा, मैं दिखाती हूँ। बता क्या है तेरी औकात, बता मुझे। अब पता चला क्या है तेरी औकात? छोड़, छोड़ मेरे बाल। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? दारिया मॉम, अम्मी, छोड़े दूसरे को। क्या हो रहा है ये? छोड़े, क्या हो गया आप लोगों को? बेटा मुराद, दारिया की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी माँ ने पहल की। ये झूठ है, इन दोनों ने मिलकर मुझे मारा है। और ये गजर को बुलाओ जल्दी। कहाँ रहती है ये लड़की? घर में क्या कुछ हो गया? बुलाओ उसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी हालत देखें आप दोनों। गजल, अम्मी को ऊपर लेके जाओ और अपना और अम्मी का सामान बांधो। बेटा, मुझे यहाँ से दूर भेज दोगे? मुझे अपने से दूर मत करो। हौसला रखें, आराम से। कुछ दिनों के लिए तुम और अम्मी होटल में रहोगी, उसके बाद मैं घर देखूंगा। मुराद बेटा, चलें, आप मेरे साथ चलें। मुझे अपने से दूर मत करो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। छोड़ो मुझे, मैं नहीं। बेटा, ये जो कुछ भी हुआ। दादी बस ठीक है, अभी कुछ नहीं, मुझे और भी काम है, मैं इन मसलों में नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, अब ये नया ड्रामा क्या शुरू कर दिया? आप जाइए अपने कमरे में, चलो। या अल्लाह, आपकी शॉल खराब हो गई है और तुम्हारे बाल भी। ऐसा लगा है बालों में बम फटा है अभी। कैसे लड़ रही थी तुमसे? आज तो बोलो कहीं वो ऊपर से आना जाए। अजीब तमाशा है। लेकिन अब तक मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की। मैंने भी नहीं की। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी जब तुम हक पर होगी। जानती हो ना ये।